अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच जो आप सब ने मुझे सजेशन दिए थे। मैंने वॉइस ओवर में थैंक यू किया था, लेकिन उसके बाद ये फर्स्ट वीडियो है कि जो मैं शूट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको फेस टू फेस भी थैंक यू बोल दूँ। मैंने जो आपसे वोटिंग की रिक्वेस्ट की थी कि मुझे बताएं कि चैनल पर लॉन्ग वीडियोज़ होनी चाहिए, शॉर्ट वीडियोज़ होनी चाहिए, तो थैंक यू सो वेरी मच। आप सब ने बहुत बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, अल्लाह ताला आपको इसकी जजा दे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चैनल के बारे में ना थोड़ा सा फील हो रहा था कि मुझे इस पर कुछ चेंजेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं 50-50 थी कि मैं देखना चाहती थी कि आप सब क्या देखना चाहते हैं, क्या मैं वो कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ जो आप देखना चाहते हैं, या मैं बस अपनी मर्जी से अपने शौक से लगी हुई हूँ और बस आप देख लेते हैं। तो जब मैंने आपसे पोलिंग करवाई है, तो आपने मुझे जो वोट्स दिए हैं उसमें 70% से प्लस वो वोट्स हैं जो सब ये कह रहे हैं कि इसी तरह से व्लॉग स्टाइल की वीडियोज़ होनी चाहिए, यानी कि रूटीन स्टाइल वीडियोज़, और उसमें जो और बाकी मतलब लेस देन 30% वो लोग हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, शॉर्ट वीडियोज़ होनी चाहिए। अब मैं ज़ाहिर है वही काम करूँगी अपने चैनल पे जो मेजॉरिटी मुझे जिस तरह से देखना चाह रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी भी, अल्लाह का शुक्र भी मैंने अदा किया कि ऑलरेडी मैं वही कंटेंट बना रही हूँ जो आप देखना चाह रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच अल्लाह ताला आपको इस वोट करने के लिए। अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सब दुआएँ कबूल करें, क्योंकि आपने मेरी बहुत मुझे सपोर्ट किया है वोट करके, और मेरे लिए ये बहुत मैटर करता है। आपके लिए तो जस्ट शायद ये होगा कि चलो ये पूछ रही है तो जस्ट क्लिक करना है तो क्लिक कर दें या कोई कॉमेंट कर दें, मेरे लिए इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो वेरी मच। और उसकी वजह से मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं, और वो चेंजेस ये हैं कि एक तो मैंने ये आप सबके सजेशंस के ऊपर, मैंने जो अपनी पुरानी सारी वीडियोस थी ना, उनमें रेसिपीज़ के नेम्स पहले लिख दिए हैं, और ताकि आप मेरी रेसिपीज़ को गो थ्रू करें उन वीडियोस को, तो आपको आइडिया हो जाए इसमें ये रेसिपी बनी हुई है। तो आप मेरी रेसिपी के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर जब आएंगे, चैनल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सर्च में जाएंगे तो आपको रेसिपी लिखेंगे तो वो निकल आएगी, नहीं तो आप मेन जो यूट्यूब में सर्च करते हैं तो वहाँ पर आप नौश लिख के, फॉर एग्जाम्पल आपको निहारी चाहिए तो नौश निहारी या निहारी बाय नौश, निहारी नौश कुछ भी ऐसे रेसिपी के नाम के साथ आप मेरा नाम लगा देंगे तो मेरी वाली वीडियो आ जाएगी। तो एक ये चेंज मैंने किया। दूसरी मैंने चेंज ये किया है कि जिस वक्त मैंने वेबसाइट बनाई थी उस टाइम पे मैंने क्या किया था कि अपनी सारी रेसिपीज़ के नीचे डिस्क्रिप्शन की बजाय रेसिपीज़ का लिंक लिख दिए थे कि ताकि वेबसाइट के ऊपर रेसिपी जो लिख रही हूँ तो हर जगह मुझे कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। लेकिन उसमें आप सबको काफ़ी सारे आप में से थे जिनको प्रॉब्लम आ रहा था कि वो नहीं कर पा रहे थे जाके वेबसाइट पर, और कुछ वेबसाइट मेरी स्लो भी थी उस वक्त, अब ठीक हो गई है, उस वक्त काफ़ी स्लो भी थी, तो वो चीज़ें वैसी की वैसी ही रह गई थी। नेक्स्ट में मैंने फिर डिस्क्रिप्शन में लिखनी शुरू कर दिए थे सारे इन्ग्रीडियंट्स। लेकिन मैंने क्या किया कि दो रातें लगा के मैं बैठी थी और मैंने वो सारी, अभी जितनी भी आप मेरे चैनल पे पुरानी नई जो भी रेसिपीज देखेंगे, सब की इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वेबसाइट पे जाना जरूरी इसलिए होगा कि अगर आपने प्रिंट आउट निकालना है रेसिपी का तो आप वहां जा सकते हैं, या आपने पूरा रिटन मेथड देखना है तो आप वहां जा सकते हैं, वहां मैंने डिटेल में मेथड लिखा होता है और वहां पे आपको मेरी वीडियो भी नजर आ जाएगी। अगर आप वीडियो नीचे करेंगे, रेसिपी में नीचे जाएंगे, तो वहां पे यही वाली सेम मेरी वीडियोस भी आपको नजर आ जाएंगी। तो इन चीजों के लिए आप रेसिपी मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर इन जनरल अगर आपने देखना है कि ब्रेकफास्ट के लिए मेरी कितनी रेसिपीज अब तक यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी हैं, स्नैक्स में कितनी हैं, करीज में कितनी हैं, राइस में कितनी हैं, तो वो आप जो है वो मेरी ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है उसमें से आप देख सकते हैं रेसिपीज की कि किस किस कैटेगरी में कितनी रेसिपीज हैं और कौन कौन सी हैं। तो इन चीजों के लिए रेसिपी वेबसाइट जो है हेल्पफुल है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी अपनी वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी मैंने अब अपने चैनल पे ऐसा नहीं रखा कि आपको हर चीज के लिए जबरदस्ती वेबसाइट पे जाना पड़े। वेबसाइट कोई भी ना यूज करे तो, लेकिन मेरे लिए वो हेल्पफुल इसलिए होगी कि ऑनलाइन मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, जो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ वो सब वेबसाइट पे भी आ रहा है, तो रिटन फॉर्म में मेरे पास सब पड़ा हुआ है। तो ये सारे सजेशंस थे और इनके ऊपर कुछ पे मैंने काम कर लिया है, कुछ पे मैंने काम नहीं किया है, और ये पोलिंग के ऊपर नहीं आए थे कमेंट्स, लेकिन ये वैसे ऑफ एंड ऑन कभी कभी वीडियोस के ऊपर आते हैं और वो कमेंट्स ही होते हैं कि टू मैनी एड्स ऑन योर वीडियो, तो एड्स को कम करें। और लेकिन जो 99% मेरे फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो सारे जो है ना मुझे कोई भी नहीं कहता, क्योंकि सब ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि एड्स जो है वहीं से मुझे इनकम होती है। तो क्या है कि एक मुझे कमेंट किसी ने किया हुआ था, मुझे नहीं किया हुआ था बेसिकली, उन्होंने बाकी जो रीडर्स हैं उनके लिए कमेंट किया हुआ था कि नौश के सारे एड्स को आप क्लिक किया करें ताकि वो एड्स पूरे पूरे चलें और नौश को अच्छी पेमेंट मिले। तो थैंक यू सो वेरी मच जिन्होंने ये कमेंट किया था, और मुझे अब उनका नाम नहीं पता है क्योंकि मुझे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड
थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आए होते हैं, लेकिन जिन्होंने किया था उनको पता है, थैंक यू सो वेरी मच आपने ऐसा सोचा। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर ऐड को पूरा क्लिक करके देखने की जरूरत नहीं होती, ऐड 5 सेकंड के बाद आप स्किप कर दें। हमें पेमेंट उसी चीज की मिल जाती है कि वो ऐड स्पेस हमने जब वीडियो क्रिएट किया ना तो उसमें हम ऐड स्पेसेस क्रिएट करते हैं कि इतने मिनट्स बाद ऐड लग जाए। अब वो क्या ऐड लगेगा, वो आप जो भी वीडियोज, फॉर एग्जाम्पल आप गाने वगैरह देखते हैं या फर्ज करें आप कोई इस तरह के लर्निंग वाली चीजें देखते हैं, तो उसी तरह की आपको एड्स नजर आएंगे। वो व्यूअर बेस्ड एड्स होते हैं, वो मेरी डिसाइडेड एड्स नहीं होते, मैं जस्ट एड की प्लेसमेंट डिसाइड करती हूँ कहाँ कहाँ एड्स लगने हैं। अच्छा, अब ये होता है कि जब मैं ये कर देती हूँ, वीडियो को अपलोड कर देती हूँ, तो बहुत सी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं जो बेस करता है कि चैनल कितना पॉपुलर है, तो उस हिसाब से अच्छी अच्छी एजेंसीज आके वहाँ बिड करके अपने एड्स प्लेस कर देती हैं। तो आप जो ऐड देखते हैं वो एजेंसीज की तरफ से होते हैं। तो अब मुझे इस तरह से पेमेंट मिलती है कि वो ऐड आप 5 सेकंड्स में, सिर्फ आपके 5 सेकंड्स लगते हैं, कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, और आपको जस्ट 5 सेकंड्स में वो ऐड स्किप कर दें, जस्ट स्किप इट, और मुझे उसी टाइम में उन्हीं 5 सेकंड्स में मुझे उस ऐड के पैसे मिल चुके होते हैं। तो उन एड्स को मैंने अपनी जो इससे पिछली आप वीडियो देखेंगे उसमें मैंने एड्स कम लगाए थे, लेकिन उसकी मुझे बहुत ड्रॉप हो गई थी पेमेंट। मैंने आप सबके लिए यहाँ तक भी करने की कोशिश की थी कि वो एड्स जो है वो कम हो ताकि आपका एक्सपीरियंस, हालांकि 2-3 लोगों ने बोला है, ज़्यादा लोग बोलते भी नहीं है, सारे अंडरस्टैंड करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच आपको, मैं कैसे बताऊँ कि मैं कितनी इंप्रेस्ड हूँ आप सब लोगों से, तो और आपकी सोच से, आपकी थिंकिंग से। लेकिन जो 1-2 लोगों ने कंप्लेंट की है उनको ये बता रही हूँ कि आप यकीन माने कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ ना, मैं आपसे तो कुछ चार्जेस नहीं ले रही ना, आपको मेरी वीडियोस एंटरटेनिंग लग रही हैं, आपको एंटरटेनमेंट मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, मुझे जो शौक है अपना टैलेंट शेयर करने का, मैं वो शौक पूरा कर रही हूँ, और जितनी मैं मेहनत करती हूँ किचन में, जितनी मैं एडिटिंग वॉइस ओवर के ऊपर मेहनत करती हूँ, बच्चों को, घर को, सबको संभालती हूँ, तो मुझे यूट्यूब पे करती है अगर मैं यूट्यूब के लिए काम कर रही हूँ, तो यूट्यूब इस चीज़ का मुझे पे करती है। तो ऐड ज़्यादा है या थोड़े हैं, अगर किसी वीडियो में आप यकीन माने 6 भी एड्स हैं 7 भी एड्स हैं तो आपके जस्ट 35 सेकंड्स लगते हैं, बस 1 मिनट भी आपका पूरा वीडियो का वेस्ट इस तरह से, मतलब आपके टाइम का 1 मिनट भी पूरा वेस्ट नहीं होता है किसी भी एक वीडियो के ऊपर, 30 सेकंड्स 35 सेकंड्स टोटल 5 सेकंड्स को अगर आप कलेक्ट कर लें। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगी कि यही मेरी कमाई का तरीका है और इसी तरह से मैं अर्न करती हूँ, और जिसमें मैंने एड्स कम लगाए थे मेरी इनकम उसमें बहुत ड्रॉप हुई है। सोचा मैंने ये था कि एक पूरा महीना मैं एड्स ड्रॉप करके देखूंगी और फिर मैं देखूंगी, लेकिन एक ही वीडियो के बाद मेरी तो आंखें खुल गई कि इतनी ज़्यादा मेहनत और मिला कुछ भी नहीं है, तो मैं दोबारा से एड्स मैंने लगाने शुरू कर दिए। सो थैंक यू सो मच आप सब जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप सबको अल्लाह ताला बेइंतहा रिज़्क दे, अल्लाह ताला आपको बेइंतहा खुशियां दें, और जिनको नहीं इस चीज़ का आइडिया था, जिन्हें बस एड्स अनोइंग लगते थे, तो उनको आई होप अब समझ आ गई होगी कि एड्स हमारे लिए लगाने क्यों जरूरत है। यकीन माने आपके पॉकेट से कुछ नहीं जाता है, आपके लिए सब एंटरटेनमेंट, सब लर्निंग, ये सब फ्री मिल रहा है आपको, जस्ट आपको 5 सेकंड्स आपके टाइम में से निकलते हैं, उनको स्किप कर दें, एड पूरा भी देखने की जरूरत नहीं है। तो चले जी, आज मैं बनाने लगी हूँ गोलगप्पों की रेसिपी, और गोलगप्पे की इतनी जबरदस्त रेसिपी है, आपकी सोच है, इतने क्रिस्पी क्रंची गोलगप्पे बनते हैं। और इसके अलावा जो मैं बनाऊंगी इसके साथ ग्रीन चटनी, जो कि गोलगप्पों के ऊपर डाली जाती है, दही भी डाली जाती है, ग्रीन चटनी डाली जाती है, और एक मीठी चटनी डाली जाती है, और साथ में डाला जाता है वो ब्राउन वाला जो खट्टा पानी होता है, तो मैं वो बनाऊंगी। पानी 2-3 तरह के होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो देसी तरीका है रेड़ियों पे और वो क्या कहते हैं रेड़ियों पे और वो जो स्टॉल्स होते हैं उन पे जो वो जो मिलता है ना ब्राउन वाला पानी, वो मैं बनाऊंगी, और ये इतना मज़े का वही टिपिकल फ्लेवर आएगा, वही टिपिकल टेस्ट आएगा कि आप खुश हो जाएंगे, और इतनी इजी रेसिपी है कि आप ये सोचेंगे कि नौश ने क्या सिखा दिया। तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, और बस घर पे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मज़े से आप इसको बना सकते हैं और खूब इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस रेसिपी के बारे में तो मैं सारी वीडियो में बोलती जाऊँगी कि कितनी अच्छी है, क्योंकि ये बहुत मज़े के बनते हैं, और मुझे पता है कि बहुत अरसे से इसकी रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन सिर्फ शहजाद घर पर ही थे 3 महीनों से, तो मैं बनाना तो चाह रही थी, लेकिन यह कि मैंने सोचा कि रूटीन पर एक दफ़ा मैं आ जाऊँ तो फिर मैं स्नैक्स और डिजर्ट्स की तरफ आऊंगी, तो अब मैं आ चुकी हूँ स्नैक्स की तरफ भी, डिजर्ट्स भी आप बहुत सुन मेरी वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। और अब जो है मैं मम्मा के केक का जो है वो रिव्यू देने लगा हूँ, और ये मम्मा का केक है, इट लुक्स एब्सोल्युटली लेजेंडरी, और
मैं उसको खा के टेस्ट करने लगा। कल मैंने खाया था लेकिन रिव्यू नहीं दिए थे मैंने, तो आज दे देता हूँ। इट्स अमेजिंग मम्मा, आपने इतना अच्छा बनाया है कि जिसकी कोई हद नहीं। और जब भी आप बनाएंगे ना ये केक, तो मैं इसको खा के जो है ना, चाहे मैं मोटा हो जाऊँ या जो भी, लेकिन मैं इसको खा के ही छोड़ूंगा, इतना मज़े का है। और थैंक यू मम्मा। और अब ये वाला पार्ट ट्राई करते हैं जो नट वाला है ना। नट्स वाला भी बहुत मज़े का है। मुझे दोनों पार्ट मज़े के लगते हैं, इतना मज़े का केक है जिसकी कोई हद नहीं। थैंक यू मम्मा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है। सबसे पहले हम गोलगप्पे, पानी पूरी की जो वो है गोलगप्पे हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ये मैंने सूजी ली है, बहुत मोटी वाली सूजी है। आपको मोटी सूजी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मोटी सूजी होगी तो हम नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करेंगे, और अगर आपको वो नहीं मिलती है तो फिर बारीक सूजी ले लें और फिर हम रूम टेम्परेचर पानी यूज़ करेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, और ये मैंने डाला है 1 कप सूजी थी, 1/2 कप मैदा डाला है, और 1/4 कप जो है वो मैंने आटा डाला, नॉर्मल जो रोटी वाला आटा होता है। तो बस ये इसके 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, और उसके बाद मैं इसको मिक्स कर दूंगी और पानी से मैं इसको मिक्स करना शुरू कर दूंगी। और इसको हमने प्रॉपर आटे की तरह देर तक नीड नहीं करते रहना, इसकी सिर्फ नीडिंग इतनी सी करनी है कि ये बाइंड हो जाए, और बस फिर हमने इसको रख देना है। थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ और इसको मैं रेडी कर रही हूँ, ये देखें। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो होनी चाहिए जो कह सकते हैं आपकी जो प्लेडो होती है ना, उसकी जिस तरह की थिकनेस होती है ना, बस इसकी भी उसी तरह की होनी चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा थिक इसको गूंद लेंगे ना, तो क्या होगा कि हम जब रखेंगे ना इसको रेस्ट करने के लिए डो को, तो सूजी फूलना शुरू हो जाएगी, तो फिर ये डो और ज़्यादा सख्त हो जाएगी और फिर बेलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, और फिर चांसेस हैं कि गोलगप्पे फूलेंगे नहीं। तो इसलिए ये देखें इतनी सॉफ्ट सी डो है, बहुत ढीली भी नहीं कर देनी, उससे भी गोलगप्पे सॉगी बन जाते हैं, और बहुत सख्त भी नहीं करनी। तो ये देखें प्लेडो कंसिस्टेंसी है। बस अब इसको हम 15 मिनट के लिए क्लिंग रैप लगा के रख देंगे। एक और चीज़ टिप जहन में रखनी है कि 15 मिनट से ज़्यादा हमने इसे नहीं रखना, क्योंकि उसमें भी फिर डो मतलब ये जो गोलगप्पे हैं वो रेडी तो हो जाते हैं, फूल जाते हैं, लेकिन सॉगी हो जाते हैं। तो मैंने क्लिंग रैप लगा के जस्ट 15 मिनट के लिए रख दिया, और उतने में बाकी जल्दी जल्दी मैं चीज़ें तैयार कर लूँगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम गोलगप्पे बना रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि बाकी सब सॉसेज वगैरह पहले तैयार कर लें, और लास्ट में गोलगप्पे की डो बना के 15 मिनट वेट करके फिर आप उसको फ्राई करना शुरू कर दें। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबसे पहले मीठी चटनी। इसके लिए मैंने ये 1/2 कप जो है ना इमली का पल्प ले लिया है। इमली को पानी में भिगो के रखा था और फिर उसके बाद उसके सीड्स अलहदा कर दिए, थिक सा पल्प है। और 1/2 कप ही मैंने इसमें गुड़ डाल दिया, और छोटे छोटे पीसेस तोड़े हुए थे मैंने इसके। थोड़ा सा पानी डाल दें और आपने इसको इतना पका लेना है कि बस बॉयल आ जाए और ये गुड़ जो है ना ये डिजॉल्व हो जाए। उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, ये देखें बॉयल हो गया। नमक डालेंगे, काला नमक डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। ऑप्शनल होती है, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं डाले, मैंने पहले रखे थे फिर साइड पे कर दिए, कहते हाँ मैं मीठी चटनी बहुत शौक से खाता है। तो अब हम इसको इतना पका लेंगे चटनी को थिक हो जाए। यहाँ पर हम हरी चटनी बना रहे हैं, देखें 1 मुट्ठी के बराबर मैंने इसमें धनिया लिया, 1 मुट्ठी के बराबर पुदीना लिया हैंडफुल, और इसमें 2 मैंने गार्लिक लिए हैं, और हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से ले लें, और उसके अलावा ये जो ड्राई स्पाइसेस हैं ये मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। तो धनिया हमने इसमें डाल दिया है, और पुदीना जो है वो हम उसके पत्ते निकाल के डालेंगे। ध्यान रहे कि पुदीने की बिल्कुल भी टहनियाँ नहीं डालनी, वरना टेक्स्चर जो है ना वो अच्छा सा नहीं आएगा इस चटनी का। अब हम इसमें नमक और ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, और साथ में मैंने इसमें ये देखें ये डाल दिया है लेमन जूस। लेमन जूस बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, बहुत थोड़ा सा, और इसको ग्राइंड करके हम इसकी बहुत थिक सी एक पेस्ट बना लेंगे। अब हम बनाने लगे हैं जनाब खट्टा पानी, जो कि बहुत ओरिजिनल आपको जो है ना बाज़ार वाला फ्लेवर आएगा, एग्जैक्ट वही है। इसमें मैंने पुदीना डाला है, और इसके साथ में डाल रही हूँ नमक, और ये है काला नमक, ये है लाल मिर्च। ये आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट में सिर्फ 1 चम्मच डाली है, वो बाद में भी डाली जा सकती है। इसके अलावा ये मैंने डाल दी है अजवाइन, साबुत है, और ये साबुत जीरा डाल दिया मैंने, अब इसमें जाएगा ये धनिया पाउडर,
और ये इसमें जा रही है टाटरी, टाटरी भी एडजस्ट हो सकती है। और ये देखें, ये मैंगो पाउडर है, जायका ब्रांड का है, ये मुझे मिला था खटाई पाउडर, और ये मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच भर के। जो आमचूर होता है ना, ये वही चीज़ है। 2 चम्मच आपने भर के डाल देने हैं, और उसके बाद बस इसके अंदर लेमन जूस डालना है। लेमन जूस का भी मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि शायद वीडियो में टाइम ना रहे। लेमन जूस जो है ना, वो आपने ज़्यादा नहीं डालना है, एग्जैक्ट अगर आप इतनी क्वांटिटी बना रहे हैं तो इतना ही डालें, क्योंकि इस पानी में ये होता है कि लेमन जूस का फ्लेवर बहुत जल्दी उठ के आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना। तो जस्ट 2 चम्मच डाला है मैंने, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। ये रेसिपी जो है ना, इसमें 2 से 3 जग बन जाते हैं पानी के ना, खट्टे पानी के, तो वो काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है। लेकिन इससे थोड़ी मेरे ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं होती, तो मैं यही रेसिपी यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास छोटा कोई मिक्सी जार है तो आप इस रेसिपी को हाफ कर सकते हैं। और ये देखिए, अब मैंने ब्लेंडर में जो थोड़ा बहुत बचा रह गया था उसको मैंने डाल दिया है इसमें, और साथ में पानी डाल दिया है। और ये देखिए, मीठी चटनी भी थिक हो गई है, रेडी हो गई है, और ये इसमें मैं डाल के मिक्स कर लूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल इसका मतलब ये थोड़ा सा आपको थोड़ा रिच सा नज़र आ रहा है, अगर आप इसके पानी को और लाइट कलर का रखना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको ये करना होगा कि पहले ही आप जो मिक्सचर बनाया ना, उसमें आप टाटरी और चिली पाउडर ऑलरेडी ज़्यादा डाल दें, तो ताकि आप वो थोड़ा सा ये मसाला बीच में डालें, तो ये आपका जो है वो स्पाइस भी हो जाए, खटाई भी ज़्यादा हो जाए, तो फिर आपका जो पानी का कलर भी लाइट होगा। अब आते हैं जनाब पूरियां बनाने की, पानी पूरी बनाने की तरफ। और ये जो रोटी है ना, इसको मैं आम आटा जो है ना, रोटी वाला जो खुशका होता है, वो लगा के मैं बेल रही हूँ। और अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको इतना बारीक बेलना है कि आपका जो काउंटर टॉप है ना, जो आपका शेल्फ है, बस वो अंदर से उसका कलर रोटी में से नज़र आना शुरू हो जाए। और ये फ्लेम देखें बहुत तेज़ है, और जितनी तेज़ आग होगी उतनी ही पानी पूरी अच्छी बनेगी। अगर हम डर के आग को मीडियम या लो रखेंगे ना, तो पानी पूरी दरमियान में से शायद फूल जाए, लेकिन साइडों से जो है ना, वो उसके किनारे नहीं फूलेंगे। तो ये देखें कितनी बारीक मैंने रोटी बेली है। बस आप वीडियो में नज़र नहीं शायद आएगा, लेकिन जब आप बेलेंगे तो आप ये देख लें, नीचे से आपका काउंटर टॉप थोड़ा थोड़ा उसका कलर झलकना शुरू हो जाए। और बस उसको आप कट कर लें, और फिर उसके बाद आप उसको एक एक करके फ्राई कर लें। ये मैंने बॉयल कर लिए थे चने और आलू, इनको मैंने मिक्स कर दिया। इनके आप ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं। अच्छा, चेक, ओ ये चेक करें, ये आया एक और, ये देखें ज़रा, ये चेक करें एक्सपर्ट को। ओए होए होए, सही जो है ना, तबाही फेर रहे हैं आप। ये देखिए नाजरीन, आप जो है ना, नॉश किलर रेसिपीज़ को, NKR को आप लाइव देख रहे हैं इस वक्त। ये देखें ज़रा जी, ये भी पलटी मारेगा। उसे आज़ाद तो छोड़ें एक मिनट, अभी खुद आज़ाद छोड़ूंगी तो फिर वो उसकी हवा निकल जाएगी, फिर नहीं भूलेगा। ये देखिए जी, ओए करारे करारे। तो जब ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, 2-4 गोलगप्पे आपके इस तरह वेस्ट होंगे कि ऑयल को टेस्ट करने के लिए आप डालेंगे और वो सही से नहीं फूलेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो आपने इस तरह से गोलगप्पा अंदर डालना है उसकी जो रोटी सी है, और उसके बाद आपने इस तरह से अपना जो भी आप स्पून या लैडल यूज़ कर रहे हैं उससे आपने इसको प्रेस करना है। तो क्या होगा कि जब इसके अंदर हवा भरेगी ना, तो आपको प्रेशर फील होगा अपने चम्मच के ऊपर कि नीचे से गोलगप्पा प्रेशर दे रहा है कि उसने ऊपर आना है, तो उस टाइम पर आप उसको ऑयल से निकलने दें, वरना इसका ऑयल में इस तरह से डिप हुए रहना ज़रूरी है। अगर ऑयल में डिप नहीं होगा कोई गोलगप्पा, आप बाहर ही पड़ा रहने देंगे तो वो उस तरह से फूलेगा नहीं। तो आप ये देखें कि मैं गोलगप्पा अंदर डालती हूँ, और उसके बाद मैं उसके बारी बारी बार बार, यानी कह सकते हैं कि मैं उसको चम्मच से प्रेस करती हूँ, लेकिन ऑयल के अंदर ही रखती हूँ मैं उसको। इसलिए आप कढ़ाई जो है ना वो डीप लें, अगर आपने कोई पैन वगैरह ले लिया तो फिर गोलगप्पे इस तरह से नहीं फूलेंगे। डीप कढ़ाई लेंगे जिसमें आप इस तरह से चम्मच को प्रेस भी करेंगे, तो गोलगप्पा जो है वो नीचे जाके बेस के साथ टच ना करे, इतनी डीप होनी चाहिए। और ये देखें उतीने में जो गोलगप्पे फूल चुके होते हैं वो थोड़े ब्राउन में करती हूँ, क्योंकि अगर ब्राउन नहीं करूँगी तो फिर वो सॉगी हो जाएंगे, तो अच्छे से वो ब्राउन करने ताकि वो क्रंची और क्रिस्पी हों। और खुले से किसी भी बास्केट में आप डालते जाएं ताकि ऑयल भी ड्रेन हो जाए उनका और वो ठंडे हो जाएं। ये देखें बहुत इजी मेथड है, आग तेज़ होती है तो गोलगप्पे फ्राई करना मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़े का काम है, कि बहुत मज़ा आता है गोलगप्पे डालते जाएं और वो फूलते जाएं। और ये है जी सारी पानी पूरी जो इस रेसिपी से बनती है। बीच में आप ऐसे कर लें कि 6-7 जो हैं वो वेस्ट भी हो जाते हैं जब हम चेक कर रहे होते हैं ऑयल। और ये चने और आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, ये खट्टी मीठी चटनी है, ये हरी चटनी है, और खट्टा पानी।
योगर्ट डाल के खाने का जो मजा है ना जी, योगर्ट डाल के खाने का जो मजा है सबकी चटनी अलग अलग अपनी अपनी वो स्पाइसी नहीं है सही पाकिस्तानी स्टाइल गोल गप्पास awesome by nauseative recipes तो भाई फेंकने वाले गोल गप्पे हैं ये जी बेटा पानी से बर्दाश्त है यार बर्दाश्त है ना बर्दाश्त है सॉरी और इतनी भूख लग गई ये लो खेलो बिशु खेलो इतना मजा आ रहा है मेकिंग आवर ओन गोल गप्पे बट यू आर मिसिंग दिस जितने बदतमीज से खाएंगे उतना मजा आएगा मैं तो अभी स्पून के एंड से डाल रहा हूँ ओके चलो जाओ मुझे देखो आप टीवी चलिए देख Bro, how did you do that? Me so good. I want such bubble powers. आपको पता है कि पहली दफा खा रहे तो मैं तो enjoy कर रहा हूँ ना आपका। बस तय बना के रखो आपके लिए थोड़े से तो मजा उसी तरह ही है कि अपने बनाओ अपने खाओ हाँ ये कैसा है इट्स अमेजिंग आई हैव नेवर ईटन सच गुड गोलगप्पे इन माय लाइफ ओके इस वक्त हम कोरोना की वजह से गोलगप्पे रेडीमेड लेके नहीं खाते हैं लेकिन जो प्लेट मिलती है वो इसी तरह से सारी रेडी मिलती है बस आपने उसको खट्टे पानी में डिप करना होता है पानी पूरी को और खा लेना होता है तो मुझे जो है ना उस तरह एक एक गोलगप्पा फिल करना बहुत मुश्किल लग रहा था तो मैंने भी अपने लिए प्लेट बना ली अभी आपने सही मजा करा दिया बता ओके हाँ जी ये टाइप खाना नहीं होता तरह है चीप किस्म का बाजारू खाना बड़ा मजा ही करा वाओ मम्मा मुझे भी थोड़ा सा पानी डाल देते हैं नहीं नहीं लो इसमें ले लो सही है देखो आपने भी ट्राई करना ज्यादा डालना पड़ता है ना ताकि डिप हो जाए उसमें अच्छे से लो थैंक यू भी मजा आ रहा है Yes. Yeah. Yeah. आपने देखा मैं तो दवाइयाँ फेर रहा हूँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तमीज नहीं दिखानी चाहिए बनाते हुए गोल गप्पे ओके वो चक्कर ही कोई नहीं तमीज क्या होती है ये नहीं चाहिए और थोड़ा सा ये भी हम स्प्रिंकल कर लें ये और फिर ये इसमें ये तैर रहा है देखिए वही है आप तैरते हो देखे आप इसको ये देखें तैर रहे हो और मजा लेके नीचे गिरे ऐसे पक्के बनाए हैं गुड़िया ने ये तो आप खा के दिखाओ जल्दी जल्दी तय सौगी हो जाएगा जल्दी मुंह में डालो हमें तो डबो डबो के मार मारेगा तय कैसा था स्पाइसी
लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आप इंजॉय करोगे, इंजॉय करो। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और ये कहना चाहूँगी कि ये ईयर जो है ना बहुत टफ है हर एक के लिए, किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा मुश्किलात आ गई हैं, किसी की कम, लेकिन हर कोई मुश्किलात को फेस कर रहा है इस ईयर में। तो अल्लाह से दुआ है कि सबकी मुश्किलात अल्लाह ताला दूर फरमा दें, हमारे लिए भी दुआ किया करें, हम आपके लिए सबके लिए दुआ करते हैं। और मुझे कई कॉमेंट्स आते हैं कि आप लोगों की लाइफ कैसी है, मतलब या तो आप लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता कि आप लोग हर वक्त हंसते खेलते रहते हैं, या फिर प्रॉब्लम आता है तो आप लोग उसको मतलब अपनी लाइफ में डोमिनेट नहीं करने देते उस प्रॉब्लम को। तो भाई हम भी आम इंसान हैं, अल्लाह ताला हम पे भी उसी तरह आजमाइशें भेजते हैं जैसे वो अपने हर बंदे पे भेजते हैं। तो बात ये है कि मैं ना सिर्फ अपने 20% लाइफ सोशल मीडिया पे दिखाती हूँ, बाकी 80% लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बिल्कुल पर्सनल है, प्राइवेट है, और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन हम कोप करते हैं। जो एक चीज़ जो टिप जो हमें हेल्प करती है वो ये कि जो हम चार लोग हैं ना, सिर्फ हम चार जो फैमिली मेम्बर्स घर के अंदर रह रहे हैं, हम चारों दोस्त हैं, हम एक दूसरे से ना तो कोई गिला शिकवा रखते हैं, ना कोई परेशानी रखते हैं, ना कोई लड़ाई झगड़ा रखते हैं, जिस वजह से फिर और हम चारों के अलावा कोई भी और प्रॉब्लम आता है तो वो हमारे लिए कोई बिग डील नहीं होता। परेशानी होती है, टेंशन होती है, अल्लाह से दुआ भी करते हैं, सब्र करते हैं, उसका सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ चूँकि खुश रहते हैं तो मिलजुल के परेशानी का जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसकी ताकत जो, परेशानी की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो यही मेरा आज का मैसेज था। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।